बाय बाय स्विमिंग पूल, बाय बाय साउथ बैंक, बाय बाय आर्टिफिशियल बीच, मैं जा रहा है। आप कहाँ करने का कह रहे हो, आप कह नहीं पा रहे हो। फ्री वाईफाई, ये और हमें क्या चाहिए। सो गाइस, नहाने के बाद शावर लेके हमने कपड़े को बदल दिए, लेकिन टैंड हो गए हैं बहुत ज्यादा दोनों, काफी ज्यादा। तो अभी हम जाएंगे माउंट कुत्था यहाँ से, विच इज 15-20 मिनट्स रन। बहुत बार सुना है भैया से, भैया गए भी हैं, फोटोज भी देखे, लेकिन अब मैं पहली बार जा रहा हूँ। और तो अभी हम डायरेक्टली चलेंगे माउंट कुत्था। सी यू ऑन द वे। सो बाय बाय स्विमिंग पूल, बाय बाय साउथ बैंक, बाय बाय आर्टिफिशियल बीच, मैं जा रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो यहीं पे हम साउथ बैंक पे आए थे, उस साइड बैठ के हमने न्यू ईयर ईव देखी थी, यहाँ पे फायरवर्क्स हुए थे। सो लेट्स गो नाउ। सो गाइस, अब आप देखिए माउंट कुत्था का घुमावदार रास्ता। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं माउंट कुत्था, CWTTHA, कुत्था, पास्ट टेंस, पीजे। सो अभी यहाँ से, एक्चुअली दिस इज अ लुकआउट माउंट, मतलब माउंट एवरेस्ट वाला माउंट मत सोचना, फुटहिल्स हैं छोटी सी, बट यहाँ से पूरा ब्रिस्बेन सिटी दिखता है। सो बेसिकली इट इज़ अ लुकआउट। यहाँ मैं बहुत टैंड दिख रहा हूँ। हाँ, चल के देखते हैं कि कैसा है ये लुकआउट और ब्रिस्बेन सिटी कैसी दिखती है यहाँ से। देखो, वेलकम टू द समिट कैफे सोवनियर्स, यू कैन सी देयर। ओके, वो फ्लाइट जा रही, एयरपोर्ट दिख रहे हो ना कितना। Yeah, it's good.
पुठे पुठे क्वेश्चंस पूछ रही है। मन तो आप कहाँ करने का कह रहे हो, आप कह नहीं पा रहे हो। हस्कीज क्या बोली जा रही, मतलब कुछ भी। वाओ आगे का नज़ारा बहुत अच्छा है, जो सिर्फ नेकेड आइज ही मज़ा दे सकती हैं, कैमरा जस्टिस नहीं करेगा। ये हैट्स बहुत सारी सोवेनियर्स, वहाँ पे सोवेनियर शॉप थी एक। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल फ्री वाईफाई, ये और हमें क्या चाहिए। और इस ब्रिस्बेन सिटी फ्री वाईफाई, व्हाट एल्स वी वांट। वाओ अब भाई देखो ये चीज दूरबीनें लगी हुई हैं, ये चीज इंडिया में लगी हो तो अब तक चक के ले जाए कहना बारी बन दे, एक परिवार बारी बन लूगा किसी ने वार नहीं देना। ये सिटी आपने बहुत बार देखा होगा जब भी हम गए हैं। वेरी नाइस, अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बहुत सारी फोटोज। वो ब्रिस्बेन रिवर दिख रही है हमें, so, हम लोग एक और ऊपर बना हुआ है, क्या बोलूँ मैं इसको, प्लेटफॉर्म काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे आ गए इस साइड। यहाँ से भी वैसे ही व्यू है, भैया के कैमरा जस्टिस नहीं करेगा। और यहाँ पे बहुत सारी बाइक्स हैं सुंदर सुंदर, यू कैन आल्सो से समथिंग। ओके भैया वहाँ पे पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, शायद हिस्ट्री है यहाँ पे माउंट कुत्सा की। यहाँ से पूरी सिटी का व्यू मिलता है, जैसे पहले मैंने बताया ही है, नहीं बताया तो दोबारा सुन लो, मतलब पहली बार सुन लो। यहाँ पे ज्यादातर लोग रात को आते हैं क्योंकि लाइट्स जलती है ना सिटी की, तो फिर वो ज्यादा अच्छा। हाँ तो हम भी उसी चीज का वेट कर रहे हैं कि लाइट्स शुरू हो जाएं, ऑन हो जाएं। सन इधर छिप गया है, अब ऑरेंज ऑरेंज लाइट आपको दिख रही है, सनसेट हो चुका है ऑलमोस्ट। बाकी व्यू तो है ही, व्यू के लिए आए हैं यहाँ पे। बादल भी पता नहीं इस देश में क्या है, बादल भी सुंदर लगते हैं। और यहाँ पे मेरे कैमरे का जूम इतना अच्छा है नहीं, लेकिन यहाँ से जो गाबा स्टेडियम है वो भी दिखता है। एंड ब्रिस्बेन आई आप लोगों को दिखेगा, आई विल मार्क दैट ऑन वीडियो, ब्रिस्बेन आई जो झूला है वो वाला। और ये ब्रिस्बेन रिवर आपको साफ साफ दिख रही होगी, है ना? है? इधर से आ रही है और ये रही सामने, इधर भी जा रही है। ब्रिस्बेन आई वो बिल्डिंग देखी है, रेड लाइट थोड़ी सी स्लांट है ऊपर से और रेड जल रही है, टू बी स्पेसिफिक नहीं जूम खराब हो जाएगा ना, ना इट्स जूम ना इसलिए। काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, हम भी बस एंजॉय कर रहे हैं अपना टाइम। चलो जब लाइट्स ऑन हो जाएंगी तब भी कैप्चर करेंगे। वीडियो में शायद मजा नहीं आएगा, फोटोज में भी मजा नहीं आएगा, बट नेकेड आई से जो व्यू मिलता है उसका मजा अलग है। उसके लिए आप सबको माउंट को उठाना पड़ेगा। Thank you.
गाइज लाइट ऑन हो चुकी है सिटी की, पूरा अंधेरा नहीं हुआ बट फिर भी आ गया। और आके हमने अभी डिनर कर लिया है और अब बस अब सोने जा रहे हैं क्योंकि वी आर डेड टायर्ड टुडे ऑल्सो, क्योंकि पानी में जैसे भी आपने व्लॉग में देखा ही है पानी में एनर्जी ज़्यादा लगती है तो हम बहुत थके हुए थे। और आज का व्लॉग स्पेशली हम दोनों साथ में एंड करना चाहते थे, उसका एक रीज़न है क्योंकि हमने आज बहुत कुछ सीखा है, नया सीखा है। और शायद हमारा सबसे बड़ा डर मौत का ही होता है और मौत का कारण लाइक पानी बने, पानी से हम मोस्टली हम डर लगता है सभी को। जैसे किसी को हाइट फोबिया होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज होते हैं ना, तो हमें तो मतलब मेरे को पर्सनली और आपको भी शायद पर्सनली वाटर फोबिया, वन ऑफ द फोबियाज इज वाटर फोबिया। हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है कि हम बचपन से स्विमिंग सीखते हैं या ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं है, इंफ्रा इतना अच्छा नहीं है, तो हमने वैसे भी बहुत कुछ सीखा है यहाँ पर आके। एक्सपोजर जितना बड़ा होता है आपका उतना आपको सीखने को मिलता है, लेकिन आज जो था भैया की हेल्प से हमने पानी का बहुत बड़ा डर था हम दोनों को, वो वीडियोज़ में आपने देखा है, क्लिप्स में सॉरी, कि कैसे हमने ओवरकम किया है उसको। फ्लोट करना, हम कॉन्फिडेंटली वी कैन फ्लोट इन द पूल। सी की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन पूल में वी कैन कॉन्फिडेंटली फ्लोट। कॉज सी में एक ये हिंड्रेंस रहती है कि पानी थोड़ा सॉल्टी होता है, तो वो मतलब एक मतलब मेरे लिए तो सबसे बड़ी हिंड्रेंस ये है कि वो पानी का इतना डर होता है कि वो मुंह में जाएगा तो आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होगी। मेरे लिए सॉल्टी से ज्यादा ये है कि यहां पे पूल के अंदर हमारे पांव लग सकते हैं। हाँ, और सी की डेप्थ तो इतनी है कि कोई माप नहीं सकता। एग्जैक्टली, और वो फिर उसके नीचे से वो रेत फिसलता है पैरों के नीचे से, तो इसको बोलो स्टेप वन या स्टेप टू, एक दो स्टेप्स हम डेफिनेटली ऊपर आ गए हैं। एग्जैक्टली, मजा आने लग गया था एक टाइम के बाद तो। हालांकि उसकी कीमत हमने पे करी है टैन होकर। एग्जैक्टली, बट ठीक है, आगे भी मैं चाहता हूँ कि जिंदगी ऐसी हमको सिखाती रहे, ऐसी घुमाती रहे और आपके लिए नए नए व्लॉग्स लेके आते रहे हम। सो टुडेज व्लॉग वाज स्पेशल फॉर अस, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा एंड लोहड़ी भी अच्छे से सेलिब्रेट करी होगी। एंड कल क्या है, मकर संक्रांति। सो एडवांस विशेस टू ऑल ऑफ यू। एंड ठीक है, बस ये व्लॉग हम साथ में इसीलिए एंड करना चाहते थे और इसी नोट पे हम व्लॉग ख़त्म करते हैं। और कल का क्या प्लान है, वो भैया ने सरप्राइज रखा है मेरे लिए, शायद हम दोनों जाएँ या पूरी फैमिली तो नहीं जाएगी कल, डेफिनेटली दो या तीन लोग ही जाएंगे। सो लेट्स सी सरप्राइज क्या है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर व्लॉग्स, क्योंकि तीन चार दिन बचे हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया में, तो डेफिनेटली तीन चार व्लॉग्स तो आएंगे क्योंकि हम घूमने जाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड डू हिट अ लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करो जितना आप कर सकते हो अगर अच्छे लगते हैं, आपको कनेक्ट फील होता है हमारे व्लॉग्स के साथ। और कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके पूछ सकते हो, या कुछ अगर बताना है तो बता भी सकते हो। क्या हम सुधार सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या हम बुरा कर रहे हैं, Cause there is always a scope for betterment, तो हमें प्लीज़ बताओ। और अगर आपने हमें दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो उसका भी नीचे लिंक मैं डाल दूंगा, तो उस पे भी जाके फॉलो कर लेना प्लीज़। तो टिल नेक्स्ट व्लॉग, सी या गुड नाइट, बाय बाय बाय।